हेलो दोस्तों, तो आज हम घूमने वाले हैं यूरोप। आज मैं लेके जाऊंगा आपको यूरोप में, यूरोप पढ़ने वाले हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं यूरोप हमारा। ये हमारा यूरोप, इधर देखिए, यूरोप पढ़ने वाले हैं। तो यूरोप का कुछ मैप इस तरीके का होता है, इधर से देखिए यूं, और इधर से कुछ ऐसा निकला हुआ है, कुछ इस तरीके का। तो यूरोप के मैप में हम कंट्रीज के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज है। तो तहलका मचा देते हैं, चलते हैं यूरोप के अंदर। इस पहले चलेंगे वेस्ट की तरफ। चलो आपको मैप दिखाता हूं मैं। सबसे पहले ये मैप देखिए, इस मैप के अंदर देखिए, इस तरफ देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए, इधर ये दिख रहा है, ये हिस्सा देखिए। इस हिस्से में सबसे पहले है हमारा पोर्टुगल, ठीक है। इसके नीचे है इस तरफ स्पेन, ये वाला स्पेन हो गया, इसको इस तरह देखिए आप, यहां पर देखिए, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इधर था हमारा पोर्टुगल। पोर्टुगल के नीचे, जस्ट नीचे हम चलेंगे स्पेन, स्पेन चलेंगे। ये दो कंट्रीज याद रखना। प्ले स्टेशन आपने सुना होगा, पीएस, प्ले स्टेशन, प्ले स्टेशन गेम सुना होगा आपने, तो पीएस से याद रखना। वेस्ट की तरफ प्ले स्टेशन से याद रखना, पीएस, पीएस। एक तो हो गया हमारा पोर्टुगल, इधर हो गया हमारा स्पेन। दूसरा आगे चलते हैं, देखते हैं, देखिए, देखो प्ले स्टेशन पी एस एफ। अब यहां पर इस ये वाला एरिया देखना, ये वाला एरिया, एक मिनट, ये वाला एरिया देखिए, देखना हमने यहां पे देखा पी एस, सबसे पहले हमने देखा पी एस। आगे देखना प्ले स्टेशन। अब देखो हम चलते हैं, देखो पी एस के बाद एफ एस, ये पी बन गया हमारा खोल के, एफ बन गया और ये बन गया एस। तो एफ से बनता है हमारा फ्रांस, एफ से बनता है हमारा फ्रांस, फ्रांस के बाद स्विट्जरलैंड, ठीक है। अभी हमने दो चीजें देखी इस एरिया, इसके अंदर देखेगा, यहां पर देखेगा, इसमें इस तरफ था हमारा पी एस, पी को बना दिया हमने एफ और एस, इससे हमारा बनना था पोर्टुगल, पी ओ पोर्टुगल, इससे बन गया हमारा स्पेन, और इससे हमारा बना एफ से फ्रांस, और इससे बना हमारा स्विट्जरलैंड। चल क्यों नहीं रहा, स्विट्जरलैंड। अब देखना अगली कंट्री जो आएगी हमारी, यहां पर देना पी एस और एफ एस, ये दो चीजें आपने, पी एस और एफ एस, ये हमारे हो गए पोर्टुगल, स्पेन, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। ये हमारा वेस्ट की तरफ जोन था। यहां पर देखना ये जो मैप बनाया मैंने, ये वाला एरिया, इस तरफ जो एरिया आया, ये हमारा वेस्ट साइड था, इधर था हमारा पोर्टुगल। अरे यार लिख क्यों रहा, एक मिनट, इधर था हमारा पोर्टुगल, पोर्टुगल के बाद इस तरफ जो आया हमारा, फिर क्या हो रहा है, इस तरफ जो आया हमारा स्पेन, पोर्टुगल, स्पेन, और एक और फिर एक हमारा आ गया इधर एफ से फ्रांस। फ्रांस के जस्ट पास में, फ्रांस के जस्ट पास में ऐसे हमने क्या बनाया था, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। अब देखना फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोर्टुगल, स्पेन,
ये चार कंट्रीज थी वेस्ट वेस्ट के अंदर। अब वेस्ट के बाद हम थोड़ा सेंटर में चलते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, वेस्ट के बाद हम सेंटर में चलेंगे। क्यों नहीं मिटा यार, अब हम चलेंगे सेंटर के अंदर। सेंटर में देखना, ये जो एरिया सेंटर और साउथ की तरफ, इस चीज को देखिए, स्विट्जरलैंड जो था उसके जस्ट नीचे इटली, ये जो हिस्सा दिख रहा ना इस तरीके का, ये हमारा इटली है। ये यहां पे देखिए, इस तरीके से इटली बना हुआ है। यहां पे देखिए, ये जो एरिया है वो है इटली। इटली के जस्ट ऊपर हमारा था स्विट्जरलैंड। इटली के जस्ट ऊपर स्विट्जरलैंड था। यहां पे हमने देख लिए थे पी एस एफ एस, और एस के नीचे हमारा आया आई। ये देखिए इस तरीके से, ये मैप देखिए, पी एस एफ एस और नीचे आई, जस्ट नीचे आई है, आई से है हमारा इटली। अब देखना इसके अंदर, अब हम चलेंगे थोड़ा इस तरीके, इस इटली के बाद में ये जो एरिया, बाद में इधर इटली के बाद में जो एरिया आया है, इधर इटली के बाद में जो एरिया आता है इधर, यह देखिएगा, यहां पे चलिए पहले सेंटर चलते हैं, ठीक है। सेंटर में देखते, सबसे पहले सेंटर देखते हैं, ये हमारा, ये इसका दिल है। तो दिल के अंदर क्या है, देखो सबसे पहले है सीजेक रिपब्लिक, नीचे है ऑस्ट्रिया हंगरी हंगेरी स्लोवेकिया स्लोवेनिया, इन दोनों के अंदर कंफ्यूज मत होना, स्लोवेनिया जो है नीचे की तरफ है, स्लोवेनिया ये जो है नीचे की तरफ है, और ऊपर की तरफ जस्ट स्लोवेकिया। अब देखना सेंटर, इधर सेंटर, इस सेंटर को देखो, इस सेंटर में, सेंटर में आता है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ऑस्ट्रिया, ये जो सेंटर है इसमें आ गया ऑस्ट्रिया, यहां पे ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया के नीचे देखना, अभी मैंने क्या बताया, स्लोवेनिया और ऊपर स्लोवेकिया, ये जो है स्लोवेनिया है वी, और ऊपर की तरफ जस्ट इसके ऊपर की तरफ यहां पे इस जगह ये स्लोवेकिया है, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, स्लोवेकिया और स्लोवेनिया एक जैसा लगता है नाम, देखिए के आ रहा है लेकिन यहां एन आ रहा है, तो यहां पे एस एस बीच में सेंटर में ऑस्ट्रेलिया और ऊपर एस एस, ये हमने जो बनाया था, हमने जो ये बनाया था पी एस एफ एस आई, इधर देखना ए, और इधर भी एस आ गया और इधर भी एस आ गया, दिख रहा है। चलो आगे चलते हैं, अब हमने देखा ऑस्ट्रिया के ऊपर की तरफ स्लोवेकिया और नीचे की तरफ स्लोवेनिया, इधर देखना, इधर जो था ये ऑस्ट्रिया है और इधर स्लोवेकिया और इधर स्लोवेनिया, स्लोवेनिया के जस्ट नीचे आप देखना, स्लोवेकिया के जस्ट नीचे हंगेरी, आप इसको ऐसे याद रखना, यहां पे कोई हंगरी आदमी घूम रहा है, रोम कर रहा है, और रोम कर रहा है तो वो जाता कहाँ पे है, किस पे बैठ के जाता है, बुल के ऊपर, बुल के ऊपर बैठ के जाता है, और जाएगा कहाँ पे, सर्बिया के अंदर, ठीक है, बुल के ऊपर बैठ रहा है, सर्दी लग रही है सर्बिया, यहाँ पे हंगरी आदमी रोम कर रहा है बुल के ऊपर बैठ के और लग रही सर्दी, ठीक है। यहाँ पे एच, फिर हंगरी आदमी जो है रोमे, एच आर जा रहा किस पे है, बुल पे, और जा रहा कहाँ पे है, सर्बिया में, सर्दी लग रही है उसको, अभी सर्दी लग रही है, उल्टा भी याद कर सकते हैं, सर्दी लग रही है, हंगरी आदमी जा रहा कहाँ है, घूम रहा है रोमेनिया, और किस पे बैठ के, बुल के ऊपर बैठ के, ठीक है, सर हंगरी नहीं सॉरी सर्बिया हंगेरी
रोमेनिया और बल्गेरिया। ठीक, अब देखना बल्गेरिया के नीचे है, सर्बिया के नीचे है, इधर बड़ा सारा ग्रीस। इस तरफ देखिए, नया तरीके से दिखाता हूँ, ये हमारा यूरोप था। इस तरफ हमने देखा था इस जगह ऑस्ट्रिया, ए ऊपर की तरफ, एस नीचे भी, एस स्लोवेनिया स्लोवेकिया। अब इधर देखना हंगरी नीचे लग रही है सर्दी, इधर है बुल बल्गेरिया और इधर रोमेनिया, हंगरी बल्गेरिया रोमेनिया और यहां पे था सर्बिया। ठीक है, अब ऊपर की तरफ जाते हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं, सबसे ऊपर इस तरफ, यहां पे भी तो यूरोप है, इधर भी तो, इधर भी तो यूरोप है, इधर कौन कौन सी कंट्रीज है इनको देखना। यहां पे देखो आइसलैंड नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, देखना नॉर्वे स्वीट स्वीडन फिन, देखो स्वी फी नो नो स्वी फी ऐसे भी है, स्वी फी नो, इसको याद रखो स्वी फिनो स्वी फिनो स्वी फिनो। ठीक है, स्वी से स्वीडन, फिनलैंड और हमारा नॉर्वे। यहाँ पे देखो, यहाँ इसके जस्ट ऊपर क्या है, आइसलैंड, इधर है हमारा आइसलैंड। ये हमारे ऊपर की कंट्रीज हो चुकी है, जिसमें हमने यहाँ पे देखा ऊपर की तरफ, इस तरफ देखो, इस तरफ है आइसलैंड, आइसलैंड और हमने एक एक लाइन में स्वी फिनो, मैं तो नो स्वी फिन एन एस नॉर्थ साउथ, ऐसे भी आ सकते हैं, नॉर्थ भी हो सकता है साउथ भी हो सकता है, इधर फॉरेस्ट है, ऐसा कर रखो फॉरेस्ट है जंगल है, नॉर्थ साउथ और जंगल। ठीक है, ऊपर है बर्फ, इधर जंगल है तो नॉर्थ और साउथ, उधर जंगल है तो इधर बर्फ है, बस ये हमारा फिनलैंड, ये हमारा हो गया स्वीडन, ये नॉर्वे, ठीक है, और ये हमारा आइसलैंड। ठीक, आगे का देखते हैं, ये फिनलैंड है, इसके नीचे का भाग ये देखना, ईस्ट अभी हमने देखा नॉर्थ साउथ और इधर है ईस्ट। ठीक, नॉर्थ साउथ ईस्ट, और अभी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं है अभी तक, सिर्फ ये आना नॉर्थ साउथ ईस्ट उसी तरीके से है। देखा यहां पे नॉर्थ होता है तो यहां पे साउथ होता है और इस तरफ ईस्ट होता है, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट, नॉर्वे स्वीडन और लास्ट क्या था अपना एस्टोनिया, हमारा एस्टोनिया, ये क्या हुआ तो सारे बन गए। अब देखो एस्टोनिया के नीचे एल एल बी, यहाँ पे एक एल एल बी एल एल बी एल एल बी एल एल बी लेटविया लिथुआनिया बेलारूस, एल एल बी याद रखना इधर, एल एल बी लेटविया लिथुआनिया बेलारूस, ये हमारा एल एल बी लेटविया लिथुआनिया और बेलारूस। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम चले गए, एल एल बी का एग्जाम दे लिया, अब छोड़ो, अब यहाँ पे देखना यूक्रेन, यूक्रेन यूक्रेन है, यूक्रेन क्रेन आ रहा ना इसमें, के आर ए आई एन क्रेन, तो क्रेन हो गया, एम ओ एल हो गया मॉल, मॉल और मॉल के बाहर है क्रेन, मॉल के बाहर है क्रेन और इधर है पोल, एक मॉल है, एक मॉल है, मॉल है मोल्डोवा। ठीक है, मॉल से मोल्डोवा,
मोल्दोवा, इधर है यूक्रेन, ऊपर की तरफ था यूक्रेन, ऊपर की तरफ यूक्रेन, और इधर था पोल, पोल है, मोल है और क्रेन है, पोलैंड, मोल्दोवा, यूक्रेन, ठीक है। सारी कंट्रीज को रिवाइज करेंगे जो जो हुई। इधर लास्ट में नीचे की तरफ ये देखिए ग्रीस है, ग्रीस और मैसेडोनिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, अल्बेनिया, देखो निया निया, अल्बेनिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, नीचे की तरफ अल्बेनिया, मैसेडोनिया और ग्रीस। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।